एक और आईसीसी इवेंट में हम हार गए हैं। ऑस्ट्रेलिया विन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। क्या आपको लगता है कि आईपीएल इंडियन क्रिकेट को खत्म कर रहा है? हर साल आईपीएल में इतने सारे खिलाड़ी और फिर भी हमने ये सब हारा। 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2016 का फिर T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और उसके बाद आता है टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स जो हम फिर से हार गए। 2021 का वर्ल्ड कप और फिर 2022 का वर्ल्ड कप हमने सब हारा है और इसमें 2019 की हार को कौन ही भुला सकता है। इंडिया को आईसीसी ट्रॉफी जीते 10 साल हो चुके हैं। क्या इंडिया को और भी कम मैचेस खेलने चाहिए? क्या बीसीसीआई सिर्फ पैसा कमाना चाहती है? इस साल भी वर्ल्ड कप है लेकिन अब तक इंडियन टीम सिर्फ आईपीएल में फोकस कर रही थी। वनडे टीम में कौन होगा हमें पता नहीं है। क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। अब इस चीज के लिए तीन बड़े कारण है। पहला है टाइट शेड्यूल, दूसरा है प्लेयर्स और टीम का फोकस और तीसरे नंबर पे खिलाड़ियों का ओवर एक्सपोजर। हर साल करोड़ों लोग आईपीएल का सपोर्ट करते हैं और फिर आईसीसी इवेंट आते ही हम सब सहम जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो डर है कि हम कहीं फिर ना हार जाएं। हर साल हमें इतने सारे अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं और बायलेटरल सीरीज में भी हम बहुत अच्छा खेलते हैं। इनफैक्ट बाहर जाके टेस्ट मैच में भी जीतते हैं लेकिन फिर भी हम आईसीसी इवेंट नहीं जीत पा रहे। वैसे ये ट्रॉफी जीतना पहले भी मुश्किल था लेकिन उस एक आदमी ने हमें जीतना सिखा दिया था। 2022 में इंडिया ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले थे जो थे 62। इसमें 11 टेस्ट मैचेस थे, 29 ओडीआई मैचेस थे और 22 टी20s थे। इसमें से इंडिया ने 46 मैचेस जीते थे जो कि सबसे ज्यादा है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। लेकिन उसी साल हुए एशिया कप और वर्ल्ड कप में इंडिया हार गया था और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से एशिया कप और वर्ल्ड कप के मैचेस को नहीं गिना गया है और ना ही 2 महीने चलने वाला आईपीएल जिसमें हर टीम लगभग 14 गेम्स तो खेलती है। अब अगर एक मैच करें तो 2022 में इंडिया टीम ने जो मैचेस खेले वो कुछ इस प्रकार होंगे। सो 365 दिनों में इंडिया ने खेले 11 टेस्ट, 22 टी20 और 29 ओडीआई। तो हुआ ये कि इसमें से तो 55 दिन सिर्फ टेस्ट मैच हो गए, ये हुए 22, ये हुए 29 प्लस मिनिमम आईपीएल के 14 गेम्स, तो इसका टोटल हो जाता है 120 दिन का प्योर क्रिकेट। अगर आप एक चीज ध्यान देंगे तो इसमें आईसीसी इवेंट्स के नंबर्स नहीं गिने गए हैं, तो अगर उसको भी गिनेंगे तो लगभग टोटल हो जाता है 10 से 12 गेम्स, मतलब लगभग लगभग 132 दिन। बट ठीक ही तो है ना, 365 में से सिर्फ 132 दिन ही तो क्रिकेट खेलना है, उनका तो काम ही है, उन्हें तो ये करना चाहिए। अब आम आदमी भी तो रोजी ऑफिस जाता है ना, हम थोड़ी ना बोलते हैं कि हम सिर्फ 130 दिन ऑफिस जाएंगे। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 132 दिन क्रिकेट खेलने के लिए भी ना आपको पूरे साल भर रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज अपनी फिटनेस अपनी डाइट का ध्यान रखना है, तब जाके आप वो एक दिन जाके अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। और इसमें ट्रैवलिंग तो मैं गिन भी नहीं रहा हूं। हर दूसरे तीसरे दिन इन खिलाड़ियों को जगह बदलनी पड़ जाती है, अलग जगह पे सोना, अलग शेड्यूल। ऐसे में ना सिर्फ क्रिकेट लेकिन हर स्पोर्ट्स कुछ इतना ही चैलेंजिंग है। एक ओलंपियन भी 4 साल मेहनत करता है उस एक दिन अच्छा परफॉर्म करने के लिए और इतने टाइट शेड्यूल में फिट होना बहुत मुश्किल होता है। यार मैं तो बीच में चलते हुए कितने बार टकरा जाता हूँ, कभी टेबल से कभी चेयर से, और ये तो रोज क्रिकेट खेल रहा है। इनके लिए एक छोटी सी चोट भी बहुत बड़ी होती है और ना सिर्फ उसके फिजिकल बट मेंटल हेल्थ को भी बहुत असर करता है। और आईपीएल में तो कई सारी चीजें करनी पड़ जाती है, कभी कोई एड, कभी कोई इंटरव्यू, कभी किसी से मिलना। अब मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि देश का काम है आप आईपीएल मत खेलो, आप एड्स मत करो, यार एक इंसान ही तो है, उसे भी तो पैसे कमाने, उसको भी तो अपना घर चलाना है। और स्पोर्ट्स में कोई सर्टेनिटी नहीं रहती ना, कब हम पैसे कमा पाएंगे कब नहीं, एक चोट से आपका पूरा करियर खत्म हो सकता है। तो ऐसे में हर इंसान यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, इसलिए वो आईपीएल भी खेलता है, इसलिए वो एड्स भी करता है। और इन्हीं टाइट शेड्यूल्स की वजह से होती है इंजरीज। भुवनेश्वर, रोहित शर्मा, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ये सब खिलाड़ी कई समय तक इंजर्ड रहते हैं और जसप्रीत बुमराह तो ऐसा लगता है कि हमारे बचपन में खेले। इतने सब चीजों के बीच में आईपीएल के 2 से 2.5 महीने बहुत ज्यादा थकाने वाले होते हैं। अब दूसरी चीज है टीम और प्लेयर्स का फोकस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप मैथ्स का एग्जाम देने जाते हो तो आप मैथ्स की प्रिपरेशन करते हो या इंग्लिश पढ़ के जाते हो? मैथ्स की ना, उसी हिसाब से हर टीम किसी भी टूर्नामेंट से पहले उसकी प्रैक्टिस करती है और जितनी ज्यादा अच्छी वो प्रैक्टिस करेंगी उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, इसीलिए काफी ट्रेनिंग कैंप्स और प्रैक्टिस मैचेस होते हैं। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया के काफी कम प्लेयर्स आईपीएल में खेले थे और उनकी टीम के जो बाकी प्लेयर्स थे वो लगभग 1 महीने से इंग्लैंड में जाके प्रैक्टिस कर रहे थे और स्टीव स्मिथ, लाबुशेन ने तो काउंटी क्रिकेट भी खेला ताकि वो इंग्लैंड के पिच से यूज्ड टू हो पाए। लेकिन इंडियन प्लेयर्स आईपीएल के शेड्यूल में बिजी थे और सिर्फ 7-8 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो सीधा फाइनल खेलने चले गए। लेकिन आईपीएल की वजह से शेड्यूल इतना टाइट हो चुका है कि इंडियन टीम को अब प्रैक्टिस सेशंस मिलते ही नहीं है, इसी वजह से टीम ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है और वो रिजल्ट्स भी हमें दिख रहे हैं। और ना सिर्फ ये,
कई बार ऐसा भी हुआ है जब आईपीएल में परफॉर्मेंस की वजह से आपको टीम में जगह मिल जाती है। देखो होना तो यही चाहिए, लेकिन जब वर्ल्ड कप जैसी चीजें होती हैं तो उसके लिए टीम्स 2-3 साल से प्रिपेयर करती हैं। ऐसे में सिर्फ एक डोमेस्टिक लीग की परफॉर्मेंस से आपको इंटरनेशनल हाई लेवल पे खिलाना हर समय सही नहीं होता, क्योंकि आईपीएल में जो प्रेशर होता है वर्सेस वर्ल्ड कप में जो प्रेशर होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तीसरा पॉइंट है खिलाड़ियों का ओवर एक्सपोजर, मतलब हर चीजें आपके सामने है। अब आप किसी के साथ सिर्फ 2 घंटे रहोगे तो आपको उसके बारे में हल्का फुल्का पता चल जाएगा, वहीं आप किसी के साथ 2 महीने साथ रहोगे तो आपको लगभग सारी चीजें पता चल जाएंगी। और कुछ ऐसा ही होता है आईपीएल में। एक टाइम था जब कौन सा बॉलर क्या नई बॉल डालने वाला है या किस बैट्समैन ने क्या प्रैक्टिस करी है, हम उसकी बहुत बातें करते थे क्योंकि हमें वो दिखती नहीं थी, लेकिन अब आईपीएल में हर चीज हमें दिख रही है। अब ऐसे में विराट कोहली की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है और मोहम्मद शमी की किस बॉल में कैसा खेलना चाहिए, ये हर प्लेयर को पता है। अब एक मैच में श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल पे आउट किया गया क्योंकि उनकी इस कमजोरी को ब्रेंडन मैककलम जो केकेआर के कोच थे वो जानते थे। हो गई ना दिक्कत, यही चीज होती है ओवर एक्सपोजर से और इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हुआ, क्या हमें आईपीएल खेलना बंद कर देना चाहिए या फिर प्लेयर्स को सिर्फ लिमिटेड गेम्स खेलने के लिए मजबूर कर देना चाहिए? तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आईपीएल ने 1.5 लाख से भी ज्यादा जॉब्स को क्रिएट किया है और इसको देख के ना सिर्फ हम जैसे फैंस लेकिन बाकी लोगों को भी बहुत फायदा मिलता है। अब चाहे वो स्टेट के ग्राउंड्स हो, वहाँ में काम करने वाले लोग हो, एड्स हो, ट्रैवलिंग हो, होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री, इन सबके लिए बहुत फायदा है। और ना सिर्फ ये, लेकिन हमारे देश के वो खिलाड़ी जो शायद उतने अच्छे घरों से ना हो, उनके लिए आईपीएल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो मिली पहुंचे वाली जॉब, पहुंचे लगाना है कोचिंग में, अच्छा ही लगा था काम तो मैंने बोल दिया क्रिकेट ही खेलूंगा। आईपीएल में सिर्फ सेलेक्ट होने से उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। अब आप ही देखो ना, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, ये सब कितने छोटे घरों से आए थे, लेकिन आज आईपीएल में अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद इनकी जिंदगी बदल चुकी है। तो आईपीएल को बंद करने से अच्छा तो ये होगा कि हम आईपीएल को थोड़ा लिमिटेड बना दें। अब जिस भी साल वनडे या टेस्ट चैंपियनशिप जैसे बड़े मैचेस हो, हम आईपीएल को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इससे मैचेस कम हो जाएंगे और मजा उतना ही रहेगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि आईसीसी इवेंट्स खत्म होने के बाद हम आईपीएल करवाएं। अगली चीज हम ये कर सकते हैं कि किसी भी आईसीसी इवेंट से पहले हम 15 से 20 दिन तक सिर्फ उसकी ट्रेनिंग करें, जहां पे हर प्लेयर फोकस होके प्रैक्टिस कर सके। और वनडे वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के लिए तो 2-3 साल पहले से हमें प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। अब आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। 2015 वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारने के बाद इंग्लैंड टीम ने अपना सारा प्रिपरेशन चेंज किया और बहुत ही फियरलेस क्रिकेट खेलना शुरू किया, जिसका रिजल्ट आप 2019 वर्ल्ड कप में देख सकते हैं। और शायद तब जाके हम ऐसे बड़े इवेंट्स के लिए तैयार हो सकते हैं। अब यार समय के साथ ना चीजें बदल जाती हैं, जिससे ना सिर्फ हमारे देश के प्लेयर्स बल्कि बाकी लोग के लिए भी बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन उसके बाद ये कहना गलत होगा कि आईपीएल सबसे बढ़कर है। पूरे देश के लिए ऐसी ट्रॉफीज, ऐसे वर्ल्ड कप एक इमोशन की तरह होता है। हम आज भी कपिल देव की वो फोटो जिसमें वो ट्रॉफी उठा रहे हैं, श्रीसंत का वो कैच, और धोनी का वो छक्का याद कर करके खुश हो जाते हैं। आई होप इस साल का वर्ल्ड कप हम जरूर जीतेंगे। जाते जाते एक बात बोलूं, जब से धोनी गया ना, ऐसा लगता है कि टीम अधूरी सी हो गई है और हर आईसीसी इवेंट में ये डर रहता है क्या हम जीत पाएंगे या नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और हमारे चैनल सोचो अलग को सब्सक्राइब भी करना। और ध्यान देने वाली बात